सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम आई यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड देखिए, एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि सर्विस में यानी फुल सर्विस में क्या क्या होता है, इस बारे में पता कर रहा था भाई। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि पूरी गाड़ी के सर्विस में जो हम सर्विस करते हैं, पेट सर्विस जो करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखो ऑयल गेज हुआ, ये ऑयल का मग्गा हुआ यानी, ठीक है ना। सबसे पहले हमको ऑयल निकालना होता है और ये हीरो होंडा सिटी डाउन ओल्ड मॉडल गाड़ी है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यानी सर्विस में क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको सबसे पहले तो इंजन ऑयल निकालना है, क्योंकि इंजन ऑयल का ये फिलहाल मैंने इसका ऑयल निकाल दिया था वो लोडियाओं में कनस्तर में। ठीक है, इसका जो पुराना ऑयल जहाँ हम लौटते हैं तो वहाँ पे लौट गया हूँ, इसका लास्ट ऑयल बचा है ये, तो ये भी बाकी जो है बूंद बूंद करके टपकता है ना वैसा, इतना ऑयल अभी और गिर गया है इसमें। ठीक है, तो अच्छे से इसका ऑयल निकल चुका है, सबसे पहले हमको ऑयल ही निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो जैसे हम इसका ऑयल निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आया ये पहिया, इसका पिछला पहिया खोलना होता है, बहुत जरूरी, क्योंकि सर्विस में जो पहिया बहुत जरूरी होता है खोलना, क्योंकि इसमें अक्सर ये कार्बन दिख रहा होगा आपको, कितना डस्ट जमा है ये इसमें, वो काफ़ी बहुत सारा कचरा जमा है इसमें। ठीक है ना, और ये इसकी देखो ड्रम प्लेट की हालत देखिए, कितना कचरा है इसमें, बहुत ज़्यादा कचरा है। ठीक है, एक तो हम इसको यूँ खोलते हैं कि इसकी जो कचरा होता है इसकी सफाई होती है। ठीक है फ्रेंड, कचरे की सफाई यानी अच्छे से सफाई होती है, प्लस ये जो ब्रेक शू होते हैं, ये ब्रेक शू हार्ड हो जाते हैं, इनका जो मसाला होता है ना ऊपर का, ये हार्ड हो जाता है, तो इससे ब्रेक रपटते हैं यानी ब्रेक एकदम पकड़ नहीं करते हैं पहिए में, तो इसकी सर्विसिंग में इसकी सफाई होने के कारण सफाई होती है और इसके ब्रेक शू की भी सफाई होती है। यानी ये देख रहा हूँ आप कितना कार्बन, इस पर भी कार्बन जमता है, यहाँ पर भी सब में कार्बन जमा होता है, तो इसकी सफाई होती है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, और ब्रेक साउंड की जो दिक्कत होती है, यानी कुछ गाड़ियों में सर्विसिंग के दौरान भी ब्रेक साउंड की आवाज़ आती है, तो ब्रेक साउंड की आवाज़ जो होती है वो इससे होती है, कैम की, उससे यानी ये जो कैम होती है, ब्रेक कैम जाम हो जाती है, तो जाम होने के कारण ब्रेक आवाज़ करते हैं। तो फ्रेंड देखो, फर्स्ट नंबर पे इंजन ऑयल निकालना होता है, दूसरे नंबर पे हम इसका पहिया खोलते हैं, पहिए के ब्रेक शू चेक होते हैं, अगर ब्रेक शू खराब होते हैं तो फिर नए पड़ते हैं, अगर खराब नहीं होते हैं तो फिर वही रिपेयर होकर सफाई होकर यही फिट होता है। ठीक है फ्रेंड, ये काफी पुरानी गाड़ी है, इसका चैन कवर नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही चैन कवर नहीं है, नहीं तो हम इसका चैन कवर खोल के चैन कवर की सफाई भी होती है फुल सर्विस में, क्योंकि इसके चैन कवर में काफी धूल मट्टी जमी होती है, ये पुरानी गाड़ी है, इसमें पुरानी गाड़ी में नहीं है चैन कवर, क्योंकि इसमें तो ऐसी फिलहाल ऐसी ही है। और देखिए फिर आगे इधर ये हो गया एयर फिल्टर, इसका एयर फिल्टर जो हमने पहले ऑलरेडी ही खोल रखा है, ये एयर फिल्टर है, ये पुरानी गाड़ी है, काफी पुरानी है, जो इसमें ये फोम का एयर फिल्टर है काफी पुराना है, क्योंकि इसकी अच्छे से सफाई होती है और इसकी क्वालिटी देखी जाए तो ये कुछ इतना खास ब्लॉक नहीं था, मतलब इतना जो फिल्टर ब्लॉक निकलते हैं बिल्कुल कचरे से डस्ट जमे निकलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हल्का उनका है और इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसकी सफाई करेंगे और इसकी सफाई होकर अच्छे से, इसकी सफाई होकर यहाँ बॉक्स की सफाई होकर ये फिट होता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर ये स्पॉकेट कवर होता है, ये जो स्पॉकेट कवर ये रहा है, इसका स्पॉकेट कवर हमने ऑलरेडी पहले ही खोल रखा है, ये पुरानी गाड़ी है, ये भी बहुत जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कई सारी मट्टी है, बहुत सारी मट्टी स्टॉक हो जाती है, यानी यहाँ जमा हो जाती है काफी सारी मट्टी सर्विस के दौरान, क्योंकि जब सर्विस होती है यहाँ पर जितनी भी चैन धूल लाल मट्टी सट्टी होती है तो वहाँ पर इकट्ठी होती रहती है, यहाँ पर सर्विसिंग के दौरान ये सफाई होती है इसकी और अच्छे से धुलाई होती है इसकी सफाई। ठीक है फ्रेंड, ये मट्टी जो है अच्छे से साफ आई होती है और ये स्पॉकेट खोलने के बाद यहाँ पे से भी सफाई होती है, ये सर्विस के सारे काम बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ऑयल सबसे फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे पिछला पहिया, फिर इसका चैन कवर, फिर ये एयर फिल्टर और ये फिर स्पॉकेट कवर। ठीक है फ्रेंड, ये सर्विसिंग के बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कोई खास ट्रिक नहीं है, और इसके जो टैपेट होते हैं ये टैपेट भी सेट होते हैं फ्रेंड, जैसे हमने ये टैपेट पहले ऑलरेडी ही खोल रखे हैं, ये दोनों टैपेट, ये इनलेट हुआ, ये एग्जॉस्ट हुआ, ये जो हुआ एग्जॉस्ट हुआ, ये इनलेट हुआ, तो हमने इसके टैपेट कवर पहले ही खोल रखे हैं, तो इसके टैपेट भी सेट, बहुत जरूरी सेट क्या चेक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतने कुछ खास प्रॉब्लम तो होती नहीं है, क्योंकि एक बार अगर सेट हो जाते हैं तो एक सर्विस या दूसरे सर्विस या मैक्सिमम दूसरी तीसरी सर्विस तक आराम से चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
फिर भी मगर एक बार बाई चांस आप चेक करना बहुत सही रहता है, क्योंकि चेक होना बहुत जरूरी होता है और सही भी रहता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड, और कार्बोरेटर से सर्विस से कुछ लेन देन नहीं होता है, क्योंकि कार्बोरेटर हम चाहें तो खोल, मतलब कार्बोरेटर सर्विस में नहीं आता। बात यह है कि सर्विस में बहुत सारे कहते हैं कस्टमर की कार्बोरेटर भी सफाई होता है या नहीं सफाई होता है, पर सर्विस का जो मान मतलब सर्विस में जो काम होता है उसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, यही होता है बस इंजन ऑयल चेक, इंजन ऑयल चेंज करना होता है, पिछला पहिया चेक करना होता है, एयर फिल्टर चेक होता है और फेस पॉइंट कवर होता है, बाकी जनरल चेकअप होता है। अगला पहिए की भी जरूरत, जैसे ये अगला पहिया है, काफी पुरानी गाड़ी है, अगले पहिए की भी बाई चांस जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगले पहिए में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती, बस इसमें हल्का ब्रेक शू होते हैं और ज्यादा सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें खास जरूरत नहीं होती है। बाई चांस वैसे खोल सकते हैं, हम पिछला पहिया भी खोलते हैं, अगला पहिया भी खोलते हैं, पर इतनी खास जरूरत नहीं होती है अगले टायर को। अगर बाई चांस नहीं भी खुलता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगला टायर, क्योंकि पिछला ब्रेक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो बोल्ट होते हैं ना, यानी इसके जो बोल्ट होते हैं, ये जो यानी ये इसका ब्रेक पत्ते वाला बोल्ट हो गया, ये एडजस्टर हो गया, ये मेन एक्सल वाला बोल्ट हो गया, तो ये जो बोल्ट होता है, ये बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस बोल्ट से काफी सारे केसेस होते हैं, क्योंकि ये बोल्ट हल्का भी ढीला हो जाता है तो फिर ये ब्रेक व्रेक सब टूट जाते हैं, ब्रेक व्रेक की रोड होती है जितनी भी होती है, रोड वोड सब खराब हो जाती है, तो इसलिए ये पिछला पहिया खोलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो एक बात और, जो इसका ये स्पार्क प्लग होता है, ये स्पार्क प्लग भी चेक जरूर होता है, क्योंकि हर सर्विस में चेकअप होना बहुत जरूरी होता है, और इससे ये भी पता लगता है कि इसका एवरेज क्या आ रहा है गाड़ी का, यानी गाड़ी माइलेज कितना निकाल रही है, इससे ये भी पता लगता है, तो इसका चेकअप होना बहुत जरूरी होता है और इसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है हर सर्विस पे, और नहीं तो ये सर्विस से पहले भी हम चेक कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर स्पार्क प्लग चेक होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और ये भी है कि जब कभी आप स्पार्क प्लग चेक करो, और ये भी चेक आपको जरूर करना है कि ये चाइना का तो नहीं है, चाइना का हो तो आप उसमें नया स्पार्क प्लग डाल दें कंपनी का, क्योंकि चाइना के प्लग में अक्सर शिकायत आती है, बहुत बेकार प्लग होते हैं चाइना के, क्योंकि गाड़ी मिसिंग करती है, गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, तो उन प्लग से ये कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, यानी चाइना के जो प्लग होते हैं उनसे प्रॉब्लम आती है। और हमेशा जब कभी भी आप अपनी गाड़ी में प्लग पड़वाओ, हमेशा कंपनी का ही पड़वाओ, और मैं तो 3 कंपनी यूज़ करता हूँ, एक वेस्ट एनजी के, बॉस्को और चैम्पियन, ये ओरिजिनल कंपनी है, माइको और बॉस्को सेम ही है। ठीक है, फिलहाल ये ब्रांडेड कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।